जरूर फक सो हेलो नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल दिस इज हरजे सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो वीडियो शुरुआत करने से पहले आज मेरे पास दो चीज़ें, मतलब वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम लोग को आज क्वालिटी में कुछ ज़्यादा फर्क दिख रहा होगा, मतलब क्वालिटी फाड़, मतलब अंगार, मतलब तो क्वालिटी में देखो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा होगा। तो आज अपनी वीडियो शूट हो रही है अपने GoPro के ऊपर। एक जेन्युइनली मेरे को ट्राई करना था कि क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है मेरे नॉर्मल रेगुलर कैमरा से, जो कि सोनी का कैमरा है, और GoPro के कैमरे में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। मेरे को ये ट्राई करना था, क्लैरिटी वाइज, वॉइस वाइज, जो भी है ये सब कुछ मेरे को एक बार ट्राई करना था। तो 4K में मैं शूट करने का कोशिश किया था इसके अंदर, लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि वो अल्ट्रा वाइड, मतलब कुछ ज़्यादा ही सुपर वाइड पर चले गया। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुमको मैं किलोमीटर दूर दिख रहा था, मतलब इतना ज़्यादा दूर चला गया था वो। सो वो इसलिए मैं 4K में ये वीडियो शूट नहीं कर रहा, इसलिए अपन ये GoPro में आज HD क्वालिटी में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बस अपना जो सोनी का कैमरा है इसको आज थोड़ा सा अपन आराम देते हैं और आज अपन टेस्ट करते हैं अपने GoPro के साथ कि कैसी क्वालिटी आती है, क्या होता है, क्या नहीं। जैसी भी क्वालिटी आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। और मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना कि क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी थी, इस कैमरे की या इस कैमरे की, मेरे को बताना ज़रूर। कुछ नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट। बॉस मेरे को तो लग रहा था कैमरा गया, मतलब उसका कुछ टूट वूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन वो रफ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हैं अपन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा चल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि आज है 21st of August और कल है 22nd of August, और 22nd को क्या है हम सबको पता है, इट्स गणेश चतुर्थी का दिन। तो गणेश महाराज, जो अपने गणेश महाराज है उनको लाना है घर पर कल। हटा इसको, अभी मेरे को जाना है ऑफिस, ऑफिस में पूरा धोना है करना, मतलब बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है मेरे ऑफिस में, मतलब ऑफिस की सफाई करे मतलब महीने हो गए भाई, मतलब कब की करा था मैं, मेरे को याद भी नहीं है मैं मेरी ऑफिस की सफाई कब करा था। आई थिंक दिवाली में करा था, उसके बाद शायद आज करूँगा मैं। तो गणपति बप्पा को लाने से पहले अपन चाहते हैं कि अपना ऑफिस एकदम साफ सुथरा हो, उसमें कोई भी गंदगी नहीं हो, जो कुछ भी नहीं हो। तो वो अभी ऑफिस को मेरे को जाना है, ऑफिस का काम अपने को करना है। ऑफिस का काम करने के बाद में अपन गणपति बप्पा को शायद आज रात में ही ला लूँगा मैं कल, क्योंकि स्थापना होगी तो कल बहुत ज़्यादा काम वाम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी करना होगा, वहाँ पे भी करना होगा। सो मैं नहीं चाहता कि दोनों एग्जर्शन ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए अपन आज रात को ही अपने गणेश जी को अपन ला लेंगे घर पे। चलो बॉस। अरे एक चीज़ तो बताना ही भूल गया तुम्हारा भाई तुमको, कि देखो भाई अपनी आंख जो है एकदम टनाटन एकदम सही हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉप्स, अपन ने ड्रॉप्स यूज़ करी थी जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया, वो एक ड्रॉप क्या डाली भाई, सब कुछ हरियाली ही हरियाली, वाह वाह। तो आज आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि हमारे चेहरे का नूर जो है वो छलक रहा है, क्योंकि आज अपन ने स्क्रब गिब सब कुछ घिस दिया, जो भी घर में था सब घिस दिया मैं, मतलब आज शक्ल पे सब कुछ घिस दिया मैं। जब भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है ना, तो इसको मेंटेन करना भी अपना ही काम है। सो अपन वो चीज़ अभी कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं आज बाल कटाने जाऊं, लेकिन मम्मी ने मेरे को रोक दिया कि मम्मी बोल रहे कि बाल अभी मत कटाओ भाई, अभी कोई कटाने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अभी थोड़ा रिस्की है बाहर जाना। तो मम्मी बोल रहे थे कि भाई आ जाओ मैं काट देती हूँ तुम्हारे बाल। तो आई एम टोटली कन्फ्यूज कि क्या किया जाए, कि बाहर जाके करा जाए या मम्मी के हाथ से करा लिया जाए। अब मेरे को तुम लोगों से ये चीज़ का सजेशन मेरे को चाहिए कि तुम लोग मेरे को बताओ कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं हेयर सलून जाके बाल कटाऊं या तो फिर मम्मी काटने में तुम लोग को वो वीडियो अच्छी लगेगी, या बाहर जाके मैं वीडियो बनाऊं वो वीडियो तुम लोग को अच्छी लगेगी। तो कौन सी वीडियो तुम लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं, घर वाली वीडियो कि मम्मी जो बाल काट रहे हैं वो वाली वीडियो, या तो फिर मैं बाहर जाके जो सलून पे बाल कटाऊंगा वो वाली वीडियो। तो मेरे को बताना ज़रूर कि तुम लोग को कौन सी वीडियो देखनी है, सिंपल एज इट इज। वाह हर्ष भाई वाह। तुम लोगों ने जिंदगी में डेंजरस से डेंजरस चीज़ देखी होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ मैं तुम लोगों को आज बताता हूँ। मैं अब भी जस्ट 2 सेकंड पहले मास्क उतारा, उसके बाद में रिस्क क्या है, मतलब डेंजर सिचुएशन क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सामने हॉस्पिटल, अब जूम तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन सामने जो है वहाँ पे क्लिनिक है, और मैं जस्ट अब भी मतलब जस्ट एक
2 सेकंड पहले मास्क मेरा हटा के फेंक दिया बाजू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मेरे को। तो जो भी है, जैसा भी है, सामने अपने पास क्लिनिक और अपना ऑफिस के सामने बिल्कुल, और थोड़ा सा टेंशन होता रहता है, मतलब धड़क धड़क, क्योंकि सब लोग मास्क में होते हैं और फिर कुछ बीमारी लेकर आते हैं तो फिर हमारी फट के हाथ को आ जाती है। ऑफिस में मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि कल अपना गणेश स्थापना है ऑफिस के अंदर भी, तो गणेश अपन ऑफिस में बिठाते हैं एज यूजुअल इट इज़। तो जो भी है, जैसा भी है, अभी साफ सफाई यहाँ पे चल रही है। सो जब तक देखो ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है, एक्चुअली जो काम हुआ है, काम इतना ही हुआ है कि यहाँ पे दिस इज़ द पोर्शन, यहाँ पे अपन गणेश जी को बिठाते हैं, तो वो खोलना करना, मतलब वो जो भी है वो साफ अपन ने कर लिया है, कलश वलश का इंतज़ाम भी हो गया है, जो भी है एकदम बढ़िया है। हाँ हाँ भाई, तो ये खुर्ची में बैठने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। मतलब से खुर्ची में बैठने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप जब भी आपकी तशरीफ नीचे रखते हो, मतलब खुर्ची पर जैसे ही रखते हो, मतलब ऐसा लगता है थकावट दूर, और इतनी ज़्यादा आरामदायक चेयर, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी, मतलब ऑफिस में ऐसी चेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी का तुम लोग को सीन बता दो कि सीन क्या चल रहा है अपना, कि अभी अपने को लाना है अपने गणपति बाप्पा को। तो आज अपने साथ है हमारे प्राणी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कैसे हो सब लोग? I know it's looking very weird, but still. हो गया। देखो जिंदगी में ना मेरे को लगता है कुछ काम भी करना चाहिए, ना ही कि करने से कुछ नहीं होता, मतलब से के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में करने को, तो है छोड़ दो काम करो, ठीक है? ज्यादा है करेगा ना तो फिर है निकलेगा। बस अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अपन निकल रहे हैं अपने ऑफिस से। अभी थोड़ा घर का लिए भी देखना है, सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, मतलब घर का भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम है जो कि अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, वो सुबह तक कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं सीधा आप लोग को मिलता हूँ गाड़ी में, या तो फिर जहाँ भी अपन गणेश वनेश लेंगे वहाँ पर। Ready to leave, अब निकल रहे हम गणपति लेने के लिए, देखते कोई अच्छा गणपति मिल जाए। So we'll get it. We'll show you very soon. 50 rupees cut over acting का। I don't know. मैं कैसी दिख रही हूँ, या दिख भी रही हूँ कि नहीं भी दिख रही हूँ, लेट मी चेक इट आउट। तो गाइस, लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस, अब निकल रहे गणपति लेने, बारिश हो रही है, होप घर पहुँचे तक बारिश ना हो। सो गाइज, इट्स 11 o'clock, मतलब 11:30 हो रहा होगा, और हमने हमारा गणेश भगवान, मतलब हमारे गणपति बाप्पा को अपन ने ले लिया। हियर इज़ आवर ऑफिस वाला गणपति बाप्पा एंड पीछे अपना घर वाले गणपति बाप्पा। तो जो भी है अभी घर पे जाके रिवील करेंगे। आई एम मोर देन हैप्पी, मतलब एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा बताने के लिए। मतलब 11 बज चुके हैं भाई, मतलब तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा ही टाइम लग गया। मतलब हम, मतलब मैं निकला ऑफिस से आई थिंक 8:30 बजे या 8 बजे, हम लोग ऑफिस से 8 बजे हम लोग ऑफिस से निकल गए थे। अभी बज रहे 11:30 चुके ऑलमोस्ट, मतलब तो 11 बज गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज गए। सो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला, लेकिन जो भी है वी गॉट 2 of them. अब घर पर जाके बताएंगे, मुंह दिखाई करेंगे। अगर दक्षिण आप छोड़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर नहीं छोड़ना चाहते, मतलब आपको प्रॉपर दक्षिणा देना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पेटीएम भी भेज दूंगा, आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, दक्षिणा भेजिए, ठीक है? चलो भाई, मजाक कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको, चलो घर पे। अब आप गाड़ी चलाना है, अब चलो बस, चलो।